Dear students, today we start the next unit, that is unit number 11, P block element. P block elements. P block elements बेटा आज हम start करेंगे, और इनको start करने से पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताते हैं. देर आर सिक्स ग्रुप इन पी ब्लॉक. ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 and 18. These groups belong to P block. In these element, in these elements, last electron enters in P subcell. Last electron enters in P subcell of the outermost cell, of the outermost cell, of the outermost cell. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है बेटा? आउटर मोस्ट सेल में एंटर करता है. क्लियर? सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट. पी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट. पी ब्लॉक में आपके क्या होते हैं बेटा? मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं और मेटलॉइड भी प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है. क्लियर? देखिएगा यहाँ पे कितने होते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है पी ब्लॉक में? पी सब सेल में. देर आर सिक्स ग्रुप इन पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 and 18. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज एन एस टू एन पी वन टू
6. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. ओके.